सबसे ज्यादा मुश्किल कड़ी बनाना ही है। मम्मा हिला हिला के मेरी बस ही हो गई। सबसे ज्यादा ये मुश्किल है, पकौड़े भी करो फिर उसको हिलाते भी रहो। उफ अल्लाह, इतना पसीना आ गया हमने के ऊपर। इतनी मेहनत से जो ना आज हमारे पकौड़े बन रहे हैं। आपने जो इधर कह रही हूँ रोटी भी सेक से आराम से मुझे सेक लगता लग रहा है ना, तो इसलिए तो कह रही हूँ आराम से कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले तो मेरी दुआ कि जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सब खुश रहें, आबाद रहें, और इसके साथ जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ अपने आज के व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो अभी जो है ना मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चों को जो है ना मैंने सुबह ही नाश्ता करवा दिया था। मेरे हस्बैंड जो है ना वो थोड़ा लेट उठते हैं, तो इसलिए जो है ना जब वो उठते हैं ना तो मैं उनके लिए उसी वक्त ही नाश्ता बनाती हूँ। तो बस नाश्ता वगैरह मैंने बना के जो है ना साथ ही उनके लिए चाय भी बनाने के लिए रख दी, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। दो तीन दिन से जो है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि बस चूल्हे के पास आते ही जो है ना बस पसीना आने लग जाता है। लेकिन फिर भी जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इंसान को हिम्मत दी है गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त करने की। हर हाल में जो है ना इंसान को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जी भाई, क्या लाइयो? किसने दिया? आमना भी नहीं। ये क्या शरबत बनाया है लंगू का? आप भी पी रही हो? अस्सलाम वालेकुम कर लो। अस्सलाम वालेकुम। चलो बैठ के साथ साथ काम भी कर लो। इधर जो है ना हमारे कपड़े धुल रहे हैं नाश्ते के बाद, जो है ना मैं आ गई ऊपर कपड़े धोने के लिए। क्या हुआ है? पिया नहीं जा रहा? क्यों? जाग भी करती हो आप? अच्छा लग रहा है? कहाँ से? इधर से पीते साइड पे करके। आप कैसे पीती हो? बहुत ज़्यादा तेज धूप जो है ना वो निकली हुई है और छोटा सा बादल आया हुआ है। फिर रुमाल को जो है ना मैंने रोटियों वाले रुमाल को पहले ही धो के जो है धूप में डाल दिया ताकि सूख जाए। फिर मैं दर्द हो रहा है? जल्दी पी के ना होमवर्क कर लो। इधर देखना कैसे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। जल्दी आके काम कर लो। आपकी बुक्स और का दस्ता इधर पड़ा हुआ है, धूप जो ना यहाँ तक आई हुई है। क्या हुआ ईशाल? क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? चल क्या हुआ है? पेट में दर्द हो रही है। इधर थोड़ा इधर क्या हुआ है ईशाल की? तो चोट लगी। ये क्या हुआ? इधर दिखाओ ना, कैसे चोट लगी? कैसी लगी मेरी बेटी को चोट? बोलो कैसे लगी चाल को चोट? इधर फुल्ला, ये तो सारा अंदर से सारी चोट लगी हुई है थोड़ी के। शाल के ना पेट में दर्द हो रहा है इसलिए लेट गई है। कपड़े जो है सारे मैंने धो लिए, किताब बुक जो है इधर रख के चढ़ी गई है। सारी सफाई वगैरह भी मैंने जैसे कर ली। क्या हो गया बुक? ये लो बुक, ये लो जैनब बुक ले लो, आके याद करवा के। अभी यहाँ पे हमारे आज बनानी है कड़ी। कड़ी बनाने के लिए जो है ना प्याज वगैरह काट दिए आमना ने। अभी जो है ना सारी चीज़ें ऐसे एक आलू काटा जी, बड़ा था आलू काटे, तीन प्याज काटे हैं, सब्ज मिर्च है, ये धनिया धोया। पहले बेसन को जो है ना छान लेते हैं, इसके अंदर सारा बेसन डालो। चलो पहले छान लेते हैं, मौसम जो है ना आजकल सही नहीं है, तो अगर सुसरी वगैरह आ जाती है ना तो फिर छान ले तो अच्छा होता है। उसकी जो गुटली है ना उसको हाथ से दबा देती हूँ। गीली तो नहीं चम्मच? नहीं,
اتنا بڑا برتن لے کے ہوں اس میں ٹھیک ہے نا چیز زیادہ ہوتی ہے پھر وہ چھوٹا برتن لے کے ساری چیزیں جو میں نے ڈال دی ہیں اس کے اندر پانی لے کے آؤ یہ موٹی لال مرچیں بھی ہو گئی آپ نے کرنی لیکن زیادہ پانی نہ ڈالنا اس میں پھر نہ وہ پچھلی دفعہ زیادہ پانی ڈال دیا تھا اب زیادہ تھوڑا تھوڑا ڈالنا تھوڑا تھوڑا ڈال کے کر لو میں جب تک جو ہے نا یہ کر لوں ادرک لہسن کہاں ہے پہلے تو ایسے کر رہے ہیں مدانی سے جو ہے لسی بنا رہے ہیں کڑی بنانے کے لیے جگ کی مشین جو خراب ہوئی ہے وہ بیسن میں جب کرا دو پانی بھی دے دو پہلے جو ہے اس کو اچھے سے پانی دینا صحیح ہے ابھی تو پانی بھی چھوڑ دینا انہوں نے پیازوں نے صحیح ہے پھر چلو اب صحیح ہے آج مجھے یہ تو لسی لگ رہی ہے ایسی لسی بھی بنتی ہے ہاں ایسی لسی بھی تو بنتی ہے ساتھ ہی اس کے اندر میں بیسن ڈال دیتی ہوں 3 سے 4 چمچ بیسن کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے اس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس بھی ہو جائے گا دہی کی جو ہے نا میں نے لسی بنا لی کڑی بنانے کے لیے اس کے اوپر جو ہے نا مکھن بھی آ گیا دیکھا کڑی بنانے کے لیے جو ہے نا ادرک لہسن جو ہے میں نے ڈال دیا اور اس کے ساتھ گھی ڈال دیا کس نے کڑی بنائی ہے مسالہ جو ہے نا سارا اچھی طرح سے میں نے بھول لیا بسم اللہ الرحمن اب اس کے اندر جو ہے نا کڑی ڈال دیتی ہوں یہ لسی یہ دہی کی جو لسی بنائی ہے کڑی بنانے کے لیے ڈال دیتی ہوں چلو آپ نا آپ اس کو لاؤ میں نا آٹا گوندھ دیتی ہوں اس کو نا چھوڑنا نہیں ہے جب تک اس کو بوائل نہیں آتا نا مجھے بتا دینا جب اس کو بوائل آنے لگے گا جب تک نا میں آٹا گوندھ لیتی ہوں پھر اس کے بعد پکوڑے بنائیں گے ہاں ظاہر ہے اب کڑی پکے گی تو پھر ہم بعد میں پکوڑے بناتے ہیں نا جب تک اور میں بناؤں گی پہلے اس کو ہلاؤ نا پھر بعد میں پکوڑے بنا لینا ورنہ وہ کڑی کی نا پھر گٹلیاں بن جائیں گی بیسن کی جو ہم نے ڈالا ہے اس لیے جو ہے نا اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے ہیں ساتھ ساتھ برتن بھی جمع ہوئی جا رہے ہیں کڑی کے یہ کیا لائی ہو شاہ چیک کرو چیک کرو کیا چیز ہے اس کا ہے مجھے شال یہ لائی ہے یہ اس میں سے انعام بھی نکلتے ہیں ہاں انعام بھی ہیں یہ لولی پاپ لائی ہے کھا لو آپ کھا لو اچھی بچی کھا لو نہیں نہیں کھانا نہیں تو یہاں پہ جو ہے نا پکوڑے بننے اسٹارٹ ہو گئے کیونکہ کڑی کو جو ہے نا اس طرف رکھ دیا اور ادھر بن رہے ہیں پکوڑے سب سے زیادہ مشکل کڑی بنانا ہی ہے کڑی بنانا سب سے مشکل ہے آج پتہ چلے کڑی بنانا آپ کو سب سے مشکل لگ رہا کیوں کیسے پکوڑے بھی کرو پھر اس کو ہلاتے بھی رہو ہلا ہلا کے میری بس ہی ہو میں تو اکیلی بناتی ہوں آپ کے ساتھ تو پھر بھی میں لگی پڑی ہوں سب سے زیادہ یہ مشکل ہے سب سے زیادہ مشکل ہے کڑی آج آمنے نے تھوڑی سی کڑی بنائی ہے نا تھوڑی سی چیزیں بنا رہی ہیں میں ہیلپ کیا تو اس کو کڑی بنانا مشکل لگ رہی ہے سارے برابر براؤن ہونے چاہیے کوئی یہ کچا اور کوئی پکا یہ دیکھو ادھر سے یہ کچا ہے یہ دیکھو یہ ادھر سے زیادہ براؤن ہونے سے ہاں شامیاں لگ رہی ہے نا
अभी जो है ना कड़ी पक गई है, तो इसके अंदर जो पकौड़े बना लिए वो डाल देती हूँ। दो थे सेंटेंस मैंने कहा था कि ना आपने ना वो एप्लीकेशन याद नहीं, क्या याद किया? सेंटेंस याद किए? सुनाओ कौन सी है? पाकिस्तान, पाकिस्तान सुनाओ, पाकिस्तान का सेंटेंस है। आई लव पाकिस्तान सुनाओ। अली इज अ गुड बॉय, याद किए? चलो अब एप्लीकेशन याद कर लो। इतना पसीना हम ना आपकी कड़ी बनाते हुए, पकोड़े बनाते हुए, उफ अल्लाह इतना पसीना आ गया हमने पकोड़े बनाते बनाते, और इतनी मेहनत से जो ना आज हमारे पकोड़े बन रहे हैं। बड़ी कहाँ बैठी है? बड़ी नमाज पढ़ रही है। ये लो पकोड़ा, मांगने तो इधर आके मांग लो, छुप छुप के क्यों मांग रही हो? जी मेरे लिए सबको फिर ऐसे एक एक देना पड़ेगा। चलो फिर अब इसके कितने हैं बच्चे? दो, एक बच्चे ने ले लिया। जी हमें चुप करके घर से जाकर आप किसी को बताएं। चलो बाकी चार बच्चे, चारों को एक एक दे दो। जैनब को मैंने दे दिया। साथ ही काली मिर्ची डाल देती, क्योंकि काली मिर्ची के साथ जो है ना कड़ी, कड़ी का मज़ा जो है ना वो डबल हो जाता है। दो बाला जी, कड़ी बन गई। हाँ जी बन गई, तो ये हमारी कड़ी जो है ना बस बन गई है। इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे जो है ना दम पे रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से हमारी कड़ी जो है ना वो पक गई है, साथ साथ रोटियाँ भी बनानी मैंने स्टार्ट कर दी है। चूल्हा जो है मैंने बंद कर दिया, गर्मी जो है ना बहुत ही ज़्यादा। ओए मेरी चूड़ियाँ जो है ना वो गर्म हो गई हैं। चूड़ियाँ? हाँ बिल्कुल गर्म हो गई हैं, टूट गई है ना सारी। रोटियाँ बनानी हुई जो ना कौन सी आसान है। आपने जो है इधर कह रही हूँ रोटियाँ भी सेकती हूँ मकीन कर, आराम से आराम से। मुझे सेक लगता है, लग रहा है ना, तो इसलिए तो कह रही हूँ आराम से कर लो। सब बच्चे अपना खाना ले गए लेकिन इशाल नहीं लेके गई। ये लो भाई इशाल उधर बैठ के कह रही मुझे ना दे के जाओ। कैसी बनी हम ना आपने आज कड़ी बनाई है, पकड़ो आज कैसे अच्छी बनी है ये वाले तरीके से कड़ी, जबरदस्त बहुत मज़ेदार है। ये ऐसी अच्छी के वैसे अच्छे थे, अब ज़्यादा अच्छी है, अब ज़्यादा अच्छी है, ये बहुत टेस्टी बनी है। अच्छा तो आपने ये पकौड़ा क्यों नहीं खाया अभी तक? तो आज कड़ी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनी, नए तरीके से बिल्कुल देसी तरीके से आज हमने कड़ी बनाई। वैसे तो मैं बिल्कुल अकेली कड़ी बनाती हूँ, लेकिन आज जो है ना कड़ी आमना ने, ज़्यादा तो आमना ने ही बनाई है। बस तो अभी जो है ना आज के व्लॉग का ये बैंड करती हूँ। मेरा आपको जो है ना आज की हमारी कड़ी की रेसिपी पसंद आई होगी, तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।